तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन हमेशा मुझे एक चीज़ का सवाल करते हैं कि मोहब्बत के टॉपिक पे और आजकल के नौजवान असली मोहब्बत को पसंद करते हैं कि असल मोहब्बत क्या होती है और असली मोहब्बत किसे कहते हैं। तो मैं कुछ बातें कह रहा हूँ। संदीप माहेश्वरी ने अपने वीडियो में 3 सिंबल बताया है। अलग अलग मोटिवेशनल वीडियोस के फिलोसोफरों ने, स्पीकरों ने अलग अलग बात कही, तो मैं आपको वो पॉइंट्स कहता तो नहीं कि 3 होंगे या 5 होंगे, लेकिन आप उसको गिन लेना। तो असली मोहब्बत, रियल मोहब्बत की पहली निशानी होती है कि एक ऐसी मोहब्बत होती है जिसका एहसास, जिसकी याद और जिसके साथ रहने की मिठास और अपनाइयत और मुस्कुराहट कभी भी आप नहीं भूलेंगे, वो रियल मोहब्बत होती है। यस, इट्स अ डेफिनेट बेसिक पॉइंट टू ट्रू लव। जी, असली मोहब्बत वो होती है जिसका एहसास, जिसकी याद और जिसकी मुस्कुराहट, जिसके साथ रहने की खुशी कभी भी आपके दिल से नहीं जाएंगी। कई दिन बीत गए, 1 साल हो गया, आपने 12 साल कहीं पढ़े थे, उसके बाद चले गए। 12 साल के बाद में 37-36वें साल में आप दिल्ली घूम रहे हैं, वहाँ कोई वैसा नज़र आ रहा है आपके महबूब की तरह, आपकी महबूबा की तरह, या आपके, या आप लड़की हैं तो आपके बॉयफ्रेंड की तरह या गर्लफ्रेंड की तरह, लेकिन आपको उसका एहसास और याद जाती नहीं, किसी बात से उसकी याद आती। यस, इट्स अ मेन पॉइंट टू टू लव, कि उसकी एहसास, उसका याद, उसका साथ, गुजारी हुई जिंदगी को भूलना नामुमकिन है। जैसे कोई जख्म होता है ना, नासूर बन जाता है, वैसा ही उसकी याद को मिटाना नामुमकिन हो जाए, वो असली मोहब्बत है, रियल मोहब्बत है। उसी के जिक्र से, उसी के साथ से आपके दिल को सुकून मिलता है। और हकीकत भी है, आप देखें कि असली मोहब्बत की जितनी निशानियां हैं, मैंने जो निशान बात कहा हो, क्या वो गलत है? बिल्कुल गलत नहीं। क्यों? क्योंकि सारी निशानियां मैं रख लूँ कि साथ में रहने का नाम असली मोहब्बत है, साथ में खाने पीने का नाम असली मोहब्बत है, डे नाइट डिनर डेटिंग करने का नाम है, पार्टियाँ करने का नाम है, उसको शॉपिंग कराने का नाम है, या उसके लिए घर बनाने का नाम है, तो क्या वो असली मोहब्बत है? या उसके साथ सेक्सुअल कनेक्शन करने का नाम मोहब्बत है, रियल मोहब्बत, तो क्या वो मोहब्बत होगी? नहीं। जब तक कि उसकी याद, उसका एहसास, उसका साथ तुम्हें हर तरह से बेहतर ना लगे, चाहे तुम गरीबी में हो, मालदारी में, तब तक वो असली मोहब्बत नहीं, टू लव नहीं होता। तो पहली बात मेरी ये है कि ट्रू लव का मीन्स, ट्रू
लॉ का मतलब, देखिए गौर से सुनिए और एंड तक वीडियो को देखिए। नौजवानों के लिए इसमें, यंगस्टर्स के लिए बहुत फायदेमंद बातें हैं। रियल मोहब्बत वो है जिसका एहसास, जिसकी याद, जिसका साथ आप एंड तक नहीं भूलेंगे। जी कल तो मिली थी एक लड़की, आज नहीं मिल गई, परसों नहीं मिल गई, लेकिन पहली भी भूल गई, दूसरी भी भूल गई, तीसरी भी भूल गई। कुछ मिठास किसी की मीन्स, एक एग्जाम्पल से कहता हूँ। समवन टोल्ड टू मी प्लीज टेक इट बाय टिफिन, समवन टोल्ड टू मी ले लीजिए ना खाना खा लीजिए ना, मोहब्बत से किसी ने मोहब्बत असली वो याद मत, जिस्मानी नहीं होती है, बॉडी से ताल्लुक रखने वाली असली मोहब्बत नहीं होती है, बल्कि वो तो नेचुरलिटी होती है। शादी के बाद बच्चे हो जाना नेचुरली उठती है। मेरी एक मोहब्बत, सपोज कि मेरी एक मोहब्बत है और मुझे, मैंने किसी वजह से उसे शादी नहीं कर पाया, अपने कैरियर में लग गए, लेकिन बाद में उसने मुझे एहसास दिलाया कि उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हैं अब, और वो बार बार बच्चों को लेकर मेरे सामने आती है, बताती है कि भाई उसके बच्चे भी अब शादी हो गई है। तो मैंने उससे ये कहा कि जनाबे आली अगर आपकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो बच्चे होना तो नेचुरली बात है, लेकिन एहसास तो गया नहीं ना। एहसास का गया है, एहसास इस बात का नहीं गया कि आप और मैं अभी तक एक दूसरे के दिल, एक दूसरे के साथ हैं। जो पहले बात मैंने कहा वहाँ पे पिंक ड्रेस में आपने देखी वो बात, और ये बात एंड तक के वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि असली मोहब्बत किसे कहते हैं, ट्रू लव किसे कहते हैं। पहले तो जिसका एहसास, जिसकी याद और जिसका साथ कभी आप भूलेंगे नहीं, वो असली मोहब्बत है। इसीलिए इतने बार साल शादी होने के बाद भी जब वो मुझसे मिलती है या मैं उससे मिलता हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल ऐसे हैं जैसे पहले रहे, या तो कॉलेज में रहे या कॉलेज के बाद रहे, या जहाँ भी हम मिलते रहें वैसे ही रहें। वो असली मोहब्बत है जी जनाब। अब वो मोहब्बत उस वक्त मालदार थी या गरीब थी, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो डेस्क बेंच में सोया करती थी या फिर ताजमहल में रहती थी या ताजमहल के डेस्क बेंच बना करती थी, उसका इस बात से ताल्लुक नहीं है। वो असल मोहब्बत है, रियल लव, जिसका एहसास, साथ और याद, तीनों चीज़ें कभी नहीं भूले। पहली बात। अब दूसरी बात ये कि ट्रू लव का मतलब होता है, असली मोहब्बत का मतलब होता है, असली मोहब्बत का मतलब ये होता है कि जब उसका कोई जिक्र निकाले या उसकी कोई बात निकाले, जब उसकी कोई ये, तो दिल उस वक्त उसकी याद से खुश हो जाए और बेचैन भी हो जाए कि वो मेरी असल मोहब्बत है। जी आप छुट्टियों पर हैं और वो घर पर है और कोई उसकी बात कर रहा है, अचानक उसकी याद आ रही है, तो दिल बार बार उसके घर की तरफ चले जाता है, या फिर कभी जहाँ वो घूमने गई है वहाँ चले जाता है, या फिर उसकी याद में लगा रहता है, उसे भी असली मोहब्बत कहते हैं। तो पहली बात को ही मद्देनज़र रखते हुए मैं असली मोहब्बत की तारीफ कर रहा हूँ, ट्रू लव की। एहसास, साथ और याद नहीं भूलता इंसान ट्रू लव में, ये ट्रू लव की बात है। अब असली मोहब्बत आपसे किस तरीके से बात करेंगी तो असली मोहब्बत होंगी, हम ये देखेंगे। अब असली मोहब्बत जब भी आपसे बात करना चाहेंगी या मिलना चाहेंगी, वो कभी भी आपको ऐसा जुमला या ऐसी बात कभी नहीं कहेंगी जिससे तकलीफ हो, मजाक में भी कुछ ऐसा नहीं करेंगी कि आपकी उससे बेइज्जती हो रही हो, ये असली मोहब्बत की निशानी है। जी वो आपको भूखा नहीं रखेंगी, पहली बात, आपको गाली नहीं देंगी, दूसरी बात, आपसे झगड़े भी इसलिए करेंगी ताकि आपको ही पाना है, वो बनावटी झगड़े होंगे, ऐसा नहीं कि जिससे आपकी पशेमानी हो रही हो। वो आपको एहसास दिलाएंगी कि वो आप ही के लिए बनी है, वो मन ही मन में, दिल ही दिल में किसी से इंटरव्यू भी कर रही हो, किसी से बोल भी रही हो, तब भी उसका दिल आपकी तरफ रागिब होगा अगर आप सामने हैं। उसका नाम असली मोहब्बत। असली मोहब्बत की दूसरी निशानी बता रहा हूँ आपको मैं। पहली निशानी तो आपने, मैंने आपसे तीन बातें में कहा हूँ, एक तो फीलिंग्स, याद और एहसास कभी नहीं जाएगा, दूसरे के रेस्पेक्टफुल
स्पीक रेस्पेक्टफुल बात, जब तक कि मोहब्बत हो ही नहीं सकती ना यार जब तक कि वो आपके अच्छी बात ही ना करे। दोस्ताना बात भी अच्छी होती है, इसीलिए कहते हैं कि दोस्त दोस्ती मोहब्बत है, दोस्त अच्छी बात करेगा ना। तो दूसरी बात कि वो आपसे हमेशा रेस्पेक्टफुल इज्जत के साथ अच्छी बात करेंगे। अब वो इज्जत के साथ ऐसा नहीं कि अजय तुझे बहुत भारी उर्दू के ढेकले बोल रही हो या हाइपरबोले बोल रही हो या शेक्सपियर के अंग्रेजी के बहुत अच्छे अच्छे कॉल्स बोल रही हो आपको, बल्कि वो आपसे बहुत अच्छे अंदाज में बात करेंगे, चाहे वो गांव की हो या शहर की हो, वो उसका अंदाज। तो दूसरी बात कि असली मोहब्बत कभी भी आपसे मोहब्बत से ही बात करेंगे, चाहे वो किसी भी मोड में। अब पहली बात भी हो चुकी है कि एहसास, याद और साथ, ये असली मोहब्बत है। और दूसरी बात ये हुई है कि आपको उसके साथ में रेस्पेक्टफुल बात होंगी, इज्जत के साथ। अब वो तकल्लुफ में नहीं होंगी, बेतकल्लुफ होंगी जी। तो दो बातें हो गई। अब तीसरी बात ये है कि ये बात जरा गौर से सुनिएगा, तीसरी बात भी बहुत अहम है। तीसरी बात ये होती है कि अगरचे आप उस मोहब्बत के साथ में कहीं पर जा रहे हैं, कहीं पे से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप कहीं से आ रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, या किसी के साथ में आप इंटरव्यू दे रहे हैं। अब इंटरव्यू देने का मतलब ये नहीं होता कि कैमरा लेके आप सिर्फ फिल्म स्टार इसलिए दे रहे हैं, बल्कि घर वालों के साथ हैं, अपने खानदान में आप जा रहे हैं उसके साथ, क्या चलो बड़ी अम्मा के वहाँ खाना खाने जा रहे हैं, या बहन के वहाँ खाना खाने जा रहे हैं, या फिर फुप्पू के वहाँ खाना खाने जा रहे हैं, या फिर चचा के वहाँ खाना खाने जा रहे हैं, तो आप उसकी तारीफ करेंगे, क्या करेंगे? और जब आप तारीफ करेंगे तो वो मोहब्बत आपकी भी तारीफ करेंगी, बल्कि ये कहेंगी कि आपकी तरक्की की वजह वो है, आप उसकी इज्जत करेंगे और वो भी आपकी इज्जत करेंगे। अच्छा, एज ए एग्जाम्पल मैंने इसकी मिसाल ये देखा, कि सायरा बानो यूसुफ से उतनी मोहब्बत करती है, जब इंसान का इंतकाल भी हो गया और वो तो चले भी गया, तब भी उसकी लाश का बोसा ले रही है और उसके नज़दीक बैठी है, तो वह एहसास रहता है। और ज़िंदगी भर वो दोनों कभी भी इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने एक दूसरे की तारीफ ही की, और सायरा बानो ने हमेशा यूसुफ से आगे अपने आप को बताया नहीं, इसलिए नहीं कि वो मर्द है करके, ऐसा बोलते ना कि मर्द है हम तेरे आगे, लेकिन नहीं, वो मोहब्बत आपकी तारीफ करेंगे। तीसरी बात, कहीं पर भी इज्तिमाई मौके में, खानदान का मौका हो या फिर कहीं पे शादी हो या फिर किसी की मौत हुई हो, तो उस वक्त भी वो आपकी तारीफ ही करेंगी। ऐसा नहीं कि आपको शादी हो गई ऐसा बोलेंगे सबके सामने कि शादी हो गई माँ और कुछ नहीं मिलता खाने को, बोले कुछ कमाती नहीं, बोले बस पॉलिटिकल शायरी लिखते रहते और पॉलिटिक्स करते रहते, बोले। तो रियल मोहब्बत आपकी तारीफ करेंगे, चाहे वो गम में है, खुश में है, कहीं पर भी, सोशल में, खानदान में, आपकी तारीफ ही करेंगी। और आपको उससे पीछे भी रहे तो आपको अच्छा ही कहेंगी और सामने भी रहे तो अच्छा ही करेंगे। ऐसा नहीं कि समाज ने बांध दिया एक शोहर है इसलिए नहीं, बल्कि हकीकत में आपकी तारीफ करेंगे, वो असली मोहब्बत है। असली मोहब्बत उसे कहते हैं, ट्रू लव उसे कहते हैं। तो मैंने अभी तक के तीन बातें कह दिया। पहली बात तो फीलिंग्स रिमेंबर एंड विटस, कि उसका साथ, याद, एहसास कभी नहीं भूलेंगे। सेकंड बात, ये रेस्पेक्टफुल बात करेंगी वो आपसे, दूसरी बात। और तीसरी बात,
कहीं पर भी एक दूसरे से बातचीत होंगी, या किसी ने पूछा इंटरव्यू में भी, या खानदान ने भी, या किसी ने भी पूछा एक दूसरे के बारे में कहीं पर भी, तो एक दूसरे के ताल्लुक से बहुत अच्छे से खुश बात कहेंगे। ये रियल मोहब्बत की 3 निशानियाँ आपको मैंने अभी तक के बता दिया।